दोस्तों, इतना स्वादिष्ट मसालेदार और यूनिक आलू गोभी मटर की सब्जी आप पहले कभी नहीं खाए होंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मसालेदार आलू गोभी मटर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने दो छोटे साइज का 750 ग्राम फूल गोभी लिया है। फूल गोभी को अच्छे से वॉश करके गोभी की स्टेम्स और लीव्स निकाल के उसको इस तरह से फ्लोरेट्स में तोड़ लें। आप इसके फूल को चाकू से काट भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस में ही गोभी को काटा है। सब्जी में बढ़िया लगती है। साथ ही में एक मीडियम साइज के आलू को इस तरह से काट लिया है। उसी के साथ हमें चाहिए 1/2 कप मटर। मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर लिया है। अब एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रखा है। इसमें हम गोभी को डाल देंगे, हल्का सा नमक डाल देंगे। 5 मिनट गोभी को हम उबाल लेंगे। इससे गोभी में जो भी गंदगी होगी अच्छे से साफ हो जाएगा और साथ साथ गोभी हल्का सा पक भी जाएगी। 5 मिनट बाद गैस बंद करके गोभी को एक स्ट्रेनर में निकाल के अलग रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। इस रेसिपी में हम बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करेंगे। सरसों का तेल को धुआं उठने तक अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर इसमें पहले आलू को गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। गोभी को तेल में पहले फ्राई करने से गोभी सारा तेल पी जाएगी, तो इसीलिए मैंने आलू को पहले फ्राई किया है। इससे हमारा तेल बच जाएगा। दोस्तों, आलू को अच्छे से गोल्डन करके फ्राई करके इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। अब बची हुई तेल में हमें गोभी को उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं गोभी को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है। सारी तरफ गोभी को अच्छे से पकनी चाहिए। इससे ये सब्जी खाने में बहुत ही लाजवाब बनेगी। गोभी को आपको तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाती। ये देखिए, इसे गोल्डन करके फ्राई कर लिया है और इसका टेक्सचर भी बढ़िया आए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, इसे आप स्किप ना करें। गोभी को एक प्लेट में निकाल के अब बची हुई तेल में मैंने 1 चम्मच तेल और ऐड किया है। गरम तेल में 2 तेजपत्ता, कुछ खड़े गरम मसाला डाल देंगे बढ़िया फ्लेवर के लिए। 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 सूखे लाल मिर्च डाल के मसाले का कुछ सेकंड भून लेना है। अगर आपको हींग पसंद है तो इसी स्टेज पे इसमें थोड़ा सा हींग डाल सकते हैं। फिर हम इसमें 2 टमाटर और 1 इंच अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। दोस्तों, एकदम डिफरेंट स्टाइल में इसे हम बना रहे हैं, जिससे कि सच में दोस्तों ग्रेवी का टेस्ट ही बदल जाएगा। एक ही जैसे आलू गोभी मटर की सब्जी तो आप खाते ही है, पर इस तरह से आप इसे जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। टमाटर को आपको अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये साइड से तेल ना छोड़े। अब जब तक टमाटर हमारा भून रहे हैं, उस दौरान गैस लो पे रख के ग्रेवी के लिए हम एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक बोल में 3 बड़े चम्मच फेटी हुई दही लिया है। दही में हम कुछ मसाले मिलाएंगे। हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे बढ़िया कलर के लिए। और नमक को कैसे भूले, हाँ, स्वाद अनुसार नमक डाल के सारी चीजों को दही में अच्छे से मिला के एक बढ़िया मसालों का पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, इधर टमाटर भी हमारा भुन गया है। फिर हम इसमें वो स्पेशल दही मसालों का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो उसी बोल में हल्का सा पानी मिला के इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये स्पेशल दही मसालों का पेस्ट डालने से ग्रेवी में स्वाद तो आएगी ही आएगी और साथ साथ इसमें थिकनेस भी आएगी। बस 2 मिनट मसालों को भूनने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप फ्रेश मटर डाल देंगे। ठंड का सीजन है तो बाजार में फ्रेश मटर अवेलेबल है, आप ले आइए और इस तरीके से ये सब्जी को आप बना लें। अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे हैं तो उसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पके हुए होते हैं। ये फ्रेश मटर है तो इसे हम 2 से 3 मिनट मसालों के साथ भून लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च डाल दिया है। सब्जी को हल्का सा स्पाइसी बनाना है।
तो 2 मिनट मसालों को भूनने के बाद यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच काजू का पेस्ट डाल दिया है। 7-8 काजू को थोड़ा सा पानी के साथ मिक्सर में मैंने पेस्ट किया है। काजू इसमें ऑप्शनल है, पर इससे सब्जी में एक शाही टेस्ट आएगा। 2-3 मिनट मसालों को भूनने के बाद ये देखिए ग्रेवी से हल्का हल्का तेल ऊज आउट हो रहा है। तो इसी स्टेज पर हम फ्राई किए हुए गोभी और आलू डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल रहे हैं दोस्तों। तो अच्छे से मसालों को गोभी और आलू के साथ मिक्स कर देने के बाद इस टाइम पे इसे हमें 2 मिनट भून लेना है, ताकि गोभी और आलू में सारे जो मसालों का फ्लेवर अच्छे से घुल मिल जाए। तो सब्जी को 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है। अभी हमें गोभी और आलू को पकाना है, तो इसे ढक देते हैं और ढक के लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। 7-8 मिनट बाद ढक्कन खोलते हैं। बीच में मैंने 1-2 बार ढक्कन खोलकर इसे चलाया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सब्जी का टेक्सचर आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे एकदम थोड़ा सा 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और उसी के साथ एक स्पेशल मसाला अब हम डाल रहे हैं, एकदम थोड़ा सा जायफल और एकदम थोड़ा सा जावित्री को मैंने कूट लिया है। तो ये कूटी हुई स्पेशल मसाला इसमें ऐड कर दिया है। इससे सब्जी का टेस्ट एकदम लाजवाब बन जाएगा सच में दोस्तों। साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालना एकदम ना भूले दोस्तों। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब हम इसे फिर से 2 मिनट के लिए बस ढक देते हैं। 2 मिनट बाद ढक्कन खोलकर आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही बढ़िया मसालेदार आलू गोभी मटर की यूनिक सब्जी एकदम तैयार है। ये देखिए आलू हमारा बढ़िया पक चुके हैं, साथ साथ गोभी भी। तो अभी गैस बंद करके इसमें हम एक स्पेशल तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए एक तड़के वाले बोल में हम बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए हम इसमें थोड़ा सा अदरक के जुलियन और एक क्यूब में कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। इसके अंदर का बीज वाला पार्ट मैंने निकाल लिया है। इन दोनों को बस 1 मिनट हल्का सा भून के गैस बंद कर देंगे और ये स्पेशल तड़का जा रहे है ये सब्जी में। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका लुक्स आ चुके हैं, साथ साथ इसका टेस्ट भी दुगना हो जाएगा इस तरीके से इसे डालने से। तो आप ये सब्जी को इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।